जय माता दी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों 25 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 5 ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिनके करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों इन 5 उपायों में से अगर कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत चमकते हुए देर नहीं लगेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सावन का जो महीना है भगवान भोलेनाथ का महीना होता है, और इस बार सावन मास का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है। इसी दिन प्रदोष तिथि व अन्य शुभ योग होने से ये दिन जो है शिव पूजा और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कौन सा वह शुभ योग बन रहा है और कौन सा वो 5 उपाय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। दोस्तों श्रावण में सोम प्रदोष का योग बहुत कम बार बनता है। इस बार ये योग 25 जुलाई को बन रहा है। साथ ही इसी दिन दोस्तों सस हंस और बुधातिथ्य योग के साथ स्वार्थ सिद्धि और अमृत युद्धि योग रहेंगे। इतने सारे शुभ योग होने के साथ साथ सावन का दूसरा सोमवार का महत्व जो है ऐसे ही बढ़ जाता है। इसी दिन शिव पूजा और उपाय करने से व्यक्ति की हर संकट दूर होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो है लंबे समय से किसी बीमारी किसी तंगी से परेशान है तो सावन के सोमवार को शुभ योग में पानी में काला तिल डालकर शिवलिंग पर जाकर अभिषेक कर दे। इससे दोस्तों रोगी बीमारियों को बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आप पारिवारिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो सावन के सोमवार को गाय के दूध की खीर बनाए और इसका भोग भगवान शिव और देवी पार्वती को लगाए। बाद में इसे पति पत्नी व परिवार के अन्य लोग प्रसाद के रूप में खाए। इससे भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बार बार धन हानि के योग बन रहे हैं तो सावन में सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक अनार के रस से करें। इससे पैसों से संबंधित हर परेशानी दूर हो जाएगी। वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए दोस्तों भगवान शिव और देवी पार्वती का अभिषेक पंचामृत से करें। वास्तु दोष दूर करने के लिए सावन के सोमवार को घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और रोज इसकी पूजा करें। जल्द ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों सावन सोमवार पर इन 5 में से कोई भी एक उपाय करें और देखें। उम्मीद है दोस्तों आपकी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।